जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बेटा बैठो। पता नहीं क्यों दिल मेरा बहुत परेशान है, बहुत घबराहट है। कैसी परेशानी अम्मी? अब तो आपको सुकून आ जाना चाहिए। माशाल्लाह से रूमी की शादी हो गई है, उसकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई। माँ होना कोई आसान बात नहीं है। दिल में अजीब वसवसे आते रहते हैं। वसवसे? किस किस्म के वसवसे? आप सारिम की तो पहली शादी है ये। वो के सारे में सब कुछ समझते और जानते हुए ही रोमी को राहिल को कबूल किया है, लेकिन मेरे दिल में डर है कहीं आहिल की वजह से इस रिश्ते में कोई दरार ना पड़ जाए। अम्मी जी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। सारे माशाल्लाह से बहुत समझदार लड़का है, और उसे देखिए साफ नजर आता है कि वो रूमी से कितनी मोहब्बत करता है। आप फिक्र ना करें, वो सब संभाल ले। रिश्ता लड़का और लड़की दोनों को निभाना पड़ता है। एक तरफा रिश्ता कभी भी पायदार नहीं होता। देखो ना, आज भी रूमी आहिल आहिल पुकार रही थी। मुझे आहिल को रोक लेना चाहिए था किसी बहाने से। अम्मी जी, अब एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, फिर अब देखिएगा सब सही हो जाएगा। और माशाल्लाह से रूमी बहुत समझदार है, वो खुद को भी संभाल लेगी और अपने रिश्तों को भी। आप फिक्र मत करें। इंशाल्लाह अल्लाह मेरी बच्ची की जिंदगी में बहुत खुशियां भर दे। अब किसी किस्म का कोई इम्तिहान ना आए उसकी जिंदगी में, कोई आजमाइश ना हो। आमीन, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा चले, आप रेस्ट करें, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, काफी एक्चुअली बहुत अच्छी है। थैंक यू। क्या आप खाना भी तो अच्छा बना लेती हैं? कोशिश करती हूँ और कुछ ना कुछ बन ही जाता है, लेकिन ताबिश को मेरे हाथ के फ्राइड राइस बहुत पसंद थे। वो क्या हुआ? बात मुकम्मल करें। I'm so sorry. Please. Absolutely no sorry. रूमी, मैं जानता हूं ताबिश आपकी खूबसूरत यादों का एक बहुत अहम हिस्सा है, और बिल्कुल ऐसे ही तो आपके दिल में जिंदा भी रहेंगे। I don't want के आप कभी भी अपनी जिंदगी की यादों को मेरे सामने दोहराते हुए कतराएं या सॉरी फील करें। आई जस्ट वॉन्ट कि आप मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझ के मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकें। बुरा नहीं लगता आपको? बुरा किस बात का? मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि किसी की भी जिक्र से एकदम से मैं इनसिक्योर फील नहीं करता। दीज आर द डायनामिक्स आई वांट विद यू, के अब बगैर किसी फॉर्मेलिटी के मुझसे कोई भी अपने दिल की बात कर सके।